SYL नहर के निर्माण को लेकर INLD ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही संसद का घेराव करने की भी कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामे और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। बुधवार को हरियाणा के मुख्य विपक्षी पार्टी INLD ने SYL के मुद्दे पर देश की राजधानी में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद SYL के निर्माण की मांग की, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन का रुख किया तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई INLD कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ये पुलिस वालों ने मारे हैं, इनके माँ बाप भी है, दादे भी हैं, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। पता क्या, हम पानी के लिए आए हैं, मोदी ने पंजाब सरकार के आदमी नहर को मूंद रहे हैं, उससे जेबीसी से ट्रैक्टरों से साठ किलोमीटर नहर में पानी बड़ाई बंद कर दी है। INLD का आरोप है कि पिछले 2.5 साल में बीजेपी सरकार ने SYL नहर के निर्माण में गंभीरता नहीं दिखाई और जानबूझकर इस मामले को लटकाए रखा, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को हरियाणा का हक दिलाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार आज गूंगी बहरी बनकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करी, आज हमारा मकसद यही था कि उनको जगाने का, और पार्लियामेंट का घेराव करने का भी यही मकसद था कि प्रधानमंत्री को पता चले कि किस तरीके से हरियाणा, दिल्ली की जनता एकजुट होकर SYL की लड़ाई लड़ रही है। ज्ञापन सौंपा गया है प्रधानमंत्री के, और आगे अगर नहीं कदम उठाए गए तो इसका पूरा विरोध प्रदर्शन भी हमारे द्वारा किया जाएगा। 2004 तक प्रदेश में INLD की सरकार रही और उस समय उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया SYL का पानी लाने के लिए। अब ये केवल मात्र जो है ना ढकोसला है, लोगों को वाई लुटने का, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इन्होंने एक तरीका ढूंढा है। आपको बता दें कि SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद INLD ने पंजाब में नहर खोदने का ऐलान किया था, लेकिन INLD अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी थी और पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।